दोस्तों नमस्कार। YouTube के LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज जो मैंने जो स्केचअप हमारा जो सॉफ्टवेयर है 3D का उसके बनाए हैं, आप हमारा जो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप कम्प्लीटली शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैं आज आपको सिखाऊंगा कि जो कमांड हम ऑटो कैड के अंदर चैम्फर और फिलेट के थ्रू लेते हैं वो हम कमांड यहाँ पे राउंड कॉर्नर के थ्रू लेते हैं, बेवल एजेस एंड कॉर्नर्स के थ्रू, ठीक है, शार्प कॉर्नर्स एंड राउंड कॉर्नर्स आप वो कमांड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम है जो हमारे यहाँ पर राउंड कॉर्नर कमांड, ठीक है, जो स्केचअप के अंदर है राउंड कॉर्नर नाम से कमांड मिलेगी। इसको आप प्लग इन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे आपको ये नहीं मिलेगी, आप प्लग इन इंस्टॉल करें उसके अंदर ये होती है, ठीक है, राउंड कॉर्नर। या फिर आप एक्सटेंशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे विंडोज प्रेफरेंस पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाके आप यहाँ से इसको इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। राउंड कॉर्नर जो हमारी है नीचे मिलेगी काफ़ी सारे, तो दोस्तों यहाँ से आप चेकबॉक्स लगा के और ओके करके उसको आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे कि हम इनको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। इनको यूज करने का दोस्तों तरीका मैं आपको बताऊँ जो है, सबसे पहले जो तरीका है वो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, आप ड्रॉ कीजिए, कुछ भी ड्रॉइंग बनाइए, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम ड्राइंग लेते हैं, यहाँ से मैं एक पॉलीगन लेता हूँ, यहाँ से मैं एक पॉलीगन लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक दो कर लेते हैं साथ साथ, या तीन कर लेते हैं साथ, थोड़े छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं आप जैसा भी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मेरे पास तीन जो हो गए क्रिएट में, इनको थोड़ा साइज थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, साइज आप अपने हिसाब से लिए, सिर्फ मैंने नॉर्मली लिया, कोई इनका मतलब नहीं अलग से कि मैंने साइज छोटा बड़ा लिया, इसका कोई मायने नहीं, ठीक। तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये आता है, देखिए दोस्तों राउंड कॉर्नर, अगर आप चाहते हैं, देखिए इन दोनों में ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। अब क्या करें, आप कॉर्नर किसी भी कॉर्नर, किस कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं आप, उस कॉर्नर यहाँ से आप देखिए इसका जो टॉप है उसको आप राउंड करना चाहते हैं, और कितना करना चाहते हैं उसकी आप जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंचज है, आप कितना इंच करना चाहते हैं यहाँ से, आप डायरेक्टली आप मान लें आप चाहते हैं 3 या 5 इंचज, मैं कहता हूँ 5 इंचज कर दूँ, इसका जो साइज आप इन चीज का निशान लगा सकते हैं। और आप जो ये ग्रीन सिंबल आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, जो ग्रीन सिंबल यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लिक टू एग्जीक्यूट, आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आप एंटरप्रेस भी कर सकते हैं या फिर इसका डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इसके जो कॉर्नर है वो देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो इसके कॉर्नर थे ये वाले, ये बिल्कुल देखिए स्मूथ हो गए, ठीक है, राउंड हो गए हैं, और ठीक है। तो दोस्तों ये होता है, एक होता है हमारा देखिए जिस बिल्कुल फिलेट होता जो, और एक होता है चैम्फर जैसे ऑटोकैड में, वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो सेकेंड जो हमारे ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मैं थोड़ा साइज ज़्यादा करूँगा, आप देखिए यहाँ से जो सेकंड हमारे पास टूल है वो क्या काम कर रहा है, इसको आप लीजिए यहाँ से अप्लाई कीजिए, आपने कौन सा टॉप सेक्शन स्टार्ट किया, आप यहाँ से जो भी इसकी वैल्यू देना चाहे 5G, ठीक है, आप जितनी देना चाहे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो भी अप्लाई हो जाएगा, अगर आप इसको एंटर प्रेस करें तो भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं इनकी, आप ठीक है, आप 30 की जगह आप यहाँ से 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक आपको सेटिंग मैं बाद में बताऊंगा, अभी क्या ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप ऑफसेट 2 से ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब भी देखिए ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल राउंड शेप में है, और एक जो थर्ड हमारा ऑप्शन होता है वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होता, ये देखिए दोनों स्मूथ हो गए हैं एक राउंड शेप में, ठीक है। जब भी आपको कोई ऐसी चीज बनानी हो, नट वगैरह बोल्ट वगैरह, आप तो इस तरीके का जो ये यूज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप इसको करिए, सॉरी आप अलग अलग एक एक लेके भी कर सकते हैं, अलग अलग भी इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, इसका साइज आप एंटर कीजिए जितना भी आप देना चाहें। चलिए ये दोनों साइड से हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप चाहें, देखिए यहाँ पे आप सेंटर लें इसका, मैं एक वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको,
पता नहीं कहाँ गया, सेंटर निकल गया उसका। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से कर दे, अगर आप चाहें बोल्ट टाइप की कोई चीज़ बनाना है तो आप यहाँ से देखिए ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। इसको भी आप चाहें तो वो शेप लगा सकते हैं इसके ऊपर। आप यहाँ से, मैं इसको दोबारा देता हूँ एंटर, और इसको आप अप्लाई कर दीजिए, देखिए। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, अभी मैंने इसके अंदर थ्रेड्स नहीं बनाए, वो काफ़ी टाइम लगता है उसके अंदर बनाने में, और आपको अभी मैं जरूर भी नहीं सोचता। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ आज जो है कॉर्नर के ऊपर काम करना है, राउंड राउंड कॉर्नर शेप में के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट भी इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, थर्ड है हमारा जो टूल है, थर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर जो थर्ड टूल हमारा है वो है राउंड कॉर्नर, बट बेवल एंड एजेस, बेवल एजेस के ऊपर। बेवल एज में आप देखेंगे कि ये क्या करता है, किस, देखिए आप यहाँ सेलेक्ट किया, अब देखिए ये बिल्कुल राउंड थी दोस्तों जो हमारी पहले, लेकिन ये एकदम बिल्कुल टेपर एंगल में हो गई। ठीक है, आप यहाँ जो भी साइज देना चाहें, आप कितना ही, मैं मैक्सिमम साइज देता हूँ, मैक्सिमम तो नहीं मतलब अच्छा साइज देता हूँ, इसे देखिए। और जैसे बाहर क्लिक करेंगे, देखिए, तो इनमें डिफरेंस दोस्तों यही है, जो इस शेप है तीनों, ये बिल्कुल देखिए टेपर एंगल पे काम करती है, ये राउंड और ये भी राउंड पे काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी शेप आप बनाना चाहें वो दोस्तों आप राउंड कॉर्नर के थ्रू आप बना सकते हैं। ऐसे ही देखिए काफ़ी सारी प्लगइन्स होती हैं स्केचअप के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चाहें देखिए दोस्तों, आप अगर आप कलर, एक जो इनकी प्रोफाइल है, आप इनको कम्प्लीटली अच्छी तरह से आप अगर देखना चाहें, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी तरह से कि इनकी प्रोफाइल को कंप्लीट। आप व्यू पे जाइए, यहाँ पे आप स्टाइल पे, एज स्टाइल पे एजेस हटाइए, सेकंड ऑप्शन इसी के अंदर होती है, प्रोफाइल हटाइए, देखिए हमारी जो शेप है बिल्कुल आपको अच्छी तरह से शो ऑफ होंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनको रेंडर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आप शेप दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी, देखिए एक मैं और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप कोई भी शेप ले लें, आप एक यहाँ से रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए इस टाइप का, अगर आप इसको बिल्कुल आप गोलाई में देना चाहें तो आप जो है इस टाइप के टूलों का यूज कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, आप यहाँ पे काफी दे दीजिए, यहाँ से मैं 15 देता हूँ, आप यहाँ से एंटर दीजिए और देखिए देखते हैं कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप इसको जो है बिल्कुल जैसे हम फॉलो मी टूल का यूज करते हैं वो आप इसको दे सकते हैं ऐसे गोलाई। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और वैसे भी आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल डाले हैं, आप वो देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ और क्यूरीज है, आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी और आपको सेटिस्फेक्शन वाला आपको आंसर दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।